जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया, कांग्रेचुलेशंस। बैठ जाओ अपने शरीर, अपनी बाइबल को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन से प्यार करता हूं, यह मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं फल लेके आऊंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। आज मेरा बिलीव है कि परमेश्वर आपको अपना वर्ड देके यहां से भेजे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे जरूरी बात जो क्रिश्चियनिटी की है, आज मैं उस बारे में आपसे बात करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं। अपने पड़ोसी को बोलो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी। आमीन। अगर आप उत्पत्ति से शुरू हो जाओ और प्रकाशित वाक्य तक अगर आप देखो, आपको वही व्यक्ति परमेश्वर के लिए काम करते हुए मिलेंगे जो सेल्फ डेथ में। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना आए तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। बोलो अपने पड़ोसी को, सबसे जरूरी बात है कि तू अपने आप में मुर्दा हो ताकि परमेश्वर तुझसे काम कर सके। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा काम अगर किसी बंदे ने किया है, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मरे हुए। यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे नहीं चलेगा तो तू मेरा चेला होने के काबिल नहीं। अगर कोई मेरा पीछा करना चाहे, अपना क्या उठाए? बोलो अपने पड़ोसी को, क्या उठाए? अपना क्रूस उठाए और क्या करे? मेरे पीछे आए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसकी 25-26, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन में सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक अच्छा लगा, और उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसमें मूसा की बात हो रही है। 40 साल वो एक राजकुमार था, बाइबल कहती है 40 साल उसने वो देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा। 40 साल एक ऐसा व्यक्ति जिसके पांव के नीचे जब वो बेड से उतरता था तो सोने की चप्पल आती होगी, चांदी की चप्पल आती होगी, रेड मैट और ग्रीन मैट आते होंगे, वो भी सोने के साथ बुने हुए। और बाइबल कहती है जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं एक इब्रानी हूं और परमेश्वर यहोवा का एक सन हूं, तो लिखा उसने मिस्र के राजकुमार के पद को छोड़ दिया और मसीह के कारण निंदित होने को अपना लिया। और बाइबल कहती है अगले 40 साल उसकी ट्रेनिंग के रहे, जब वो 40 साल विधान देश में परदेशी होकर रहा, और उसके अगले 40 साल उसके राज्य में रहे जो परमेश्वर के नाम में उसने लोगों को छुड़ाया। सबसे पहले मूसा ने फैसला किया कि नहीं, मसीह के कारण मैं निंदित होना प्रेफर करूंगा अपना जीवन दुखों में निकालने से। और बाइबल कहती है उसने फैसला किया कि वो परमेश्वर के लिए खड़ा होगा। अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे सेल्फ डेथ में रखने के लिए उसके भेड़ और बकरियों को चराने में लगाए। आपका बेस्ट पैदा होगा जब आप क्रूस उठा के सेल्फ डेथ में चले जाएंगे। और कैसे होगी ये सेल्फ डेथ? अपने आप में मरना, अपना क्रूस उठाना, ये आसान नहीं। परमेश्वर आपको निकालेगा अलग अलग चीजों से, दुखों से, निराशाओं से, बीमारियों से, कलेशों से, धोखे से। अगर आप सेल्फ डेथ देखना चाहते हैं तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तू अपना क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल ही नहीं। और क्रूस उठाने का मतलब यह है अपने आप में मरना। प्रतिदिन अगर तू मेरा क्रूस ना उठाए तो तू मेरे काबिल नहीं, इसका मतलब अपने आप में मरना। अगर तू अपने आप में मरा नहीं तो मेरे काबिल नहीं। अब मैं आपको बताता हूं इसका मतलब क्या है। सेल्फ डेथ ये वो पोजीशन है जब एक विश्वासी इस पोजीशन पे पहुंचता है जिस तरह मूसा पहुंचा, और उसने पैसों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की, अपनी पदवियों की परवाह नहीं की, वचन की परवाह की। यह होती है सेल्फ डेथ। बाइबल कहती है यूसुफ 17 साल का था जब अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए वो जाया करता था, और उसे स्वप्न आता है, और उस सपने में परमेश्वर उसको बताते हैं कि वो अपने भाइयों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और इस सपने के कारण उसके भाई उसे बैर करते हैं और उसको सूखे गड्ढे में डाल के मारने की कोशिश करते हैं। वहां से वो निकलता है और मिस्र देश में जाता है, और 30 साल तक कभी पोतीपर के घर में कभी जेल में रहता है। ये 13 साल उसकी सेल्फ डेथ के थे। ये 13 साल में परमेश्वर ने उसे तैयार किया कि कैसे परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा जाए जब वो मौत के करीब था। इमोशनली डिस्टर्ब था तब भी उसने पोतीपर की पत्नी के साथ सेक्स करना नामंजूर किया। आज कोई पवित्रता में इसलिए है उसे मौका नहीं मिल रहा। आज कोई चोरी इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो फाइनेंस टीम में नहीं, लेकिन जैसे आप उसे मौका देंगे तब मालूम होगा ये बंदा पवित्रता में है या चोर है या नहीं। हालेलुया। और लिखा वो 13
दुश्मन। पर बाइबल कहती 30 साल का होकर जब वो प्रधानमंत्री बना 110 साल तक जीवित रहा। मेरी बात को आज ध्यान से सुनना, अगर आप जीसस क्राइस्ट को फॉलो करेंगे, अपने आप में मर के आप परमेश्वर का ध्यान रखेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, आपका कलेश तो छोटा सा होगा पर आपकी महिमा सालों की होगी यीशु मसीह के नाम में। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसकी 16-18 आयत, इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी वस्तुएं थोड़े दिन की हैं और अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। 17 आयत को मैं दोबारा पढ़ूंगा, क्योंकि हमारा पल भर का कलेश हल्का सा कलेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। हमारा थोड़ा सा कलेश कहता अनंत महिमा को पैदा करता है। जो आपने सह लिया परमेश्वर में आके, आपने परमेश्वर के वचन को त्यागा नहीं, क्योंकि आपके रिश्तेदार यही चाहते थे कि आप उसके वचन को त्याग दें। आप अपने, आपने अपने शरीर की नहीं सुनी, व्यभिचार की नहीं सुनी, चोरी की नहीं सुनी, आपने वही किया जो वचन चाहता था। बाइबल कहती है अगर तुम इस तरह चलोगे तुम्हें कलेश का सामना करना पड़ेगा, तुम्हारे लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे, लेकिन बाइबल कहती तुम्हारा हल्का सा कलेश अनंत महिमा को पैदा करेगा। उसका 13 साल का कलेश उसके 80 साल के राज्य को पैदा किया उसने। वो 30 साल का था जब प्रधानमंत्री बना और 110 साल तक अपनी कुर्सी पे खड़ा रहा। आप क्या सोचते परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया? बाइबल कहती थोड़ी देर में वो तुम्हें दुख उठाने के बाद, कलेश उठाने के बाद सिद्ध भी करेगा और स्थिर भी करेगा और तुम्हारे राज्य को बढ़ाएगा भी। जो काम करने के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया वो काम आपकी जिंदगी में वो जाहिर भी करेगा अगर आप परमेश्वर में खड़े रहेंगे तो। बाइबल कहती है उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला, उसे मौत का मालूम था, भूख का मालूम था, पोतीपर के घर में रहा, उसे ब्लैकमेलिंग मालूम था जो उसकी पत्नी ने उसके साथ की, ट्रबल मालूम थे उसको, मुश्किलें मालूम थी, मौत का डर मालूम था। बाइबल कहती है उसका कलेश अनंत महिमा को पैदा कर गया और वो 80 साल तक उन लोगों के ऊपर भी उसने राज किया जिनके घरों में वो काम किया करता था। हालेलुया। लेकिन वो 13 साल कौन से साल थे? बोलो सेल्फ डेथ के, बोलो अपने पड़ोसी को क्रूस उठाने के, अपने आप में मरने के, अपनी निगाह में मरने के। आमीन। अगर वो साल आपने गुजार लिए तो राज्य करने के लिए तैयार हो जा। आप जो मांगेंगे परमेश्वर आपको देगा, किसी बात की खटी आपके अंदर नहीं होगी। आप उन चीजों के लिए सफर नहीं करेंगे जिनके लिए आम लोग करते हैं, आप उनसे अबव जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा रिसीव करो इस ग्रेस को यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। छोटा सा कलेश, अगर वो व्यभिचार में गिर गया होता, अपने भाइयों के साथ डर के अपने पिता को अपने भाइयों की चुगली ना की होती, सच्चाई के लिए ना खड़ा हुआ होता, तो वो 80 साल राज्य करने के उसके जीवन में कभी भी नसीब ना होते। मैंने ऐसे लोग देखे अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तेदारी में, जो मसीह में इसलिए नहीं आते, उनको मालूम है यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, सिर्फ इसलिए नहीं आते कि जैसे वो मसीह में आते हैं उनके घर में कलेश शुरू होता है। सिर्फ कलेश के डर के मारे वो मसीह में नहीं आते, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं कि सारी उम्र पोती पर के घर में नौकरी करने से यह अच्छा है कि आप सच्चाई के लिए खड़े हो जाएं और 80 साल राज करें। अब आपने देख लो आपने पाप का गुलाम बनना है, क्योंकि अगर शैतान ने आपको चोरी करने के लिए बोला और आपने की, बाइबल कहती है आप चोरी के गुलाम है, व्यभिचार के गुलाम है, आप जेलसी के गुलाम है, माफ ना करने के गुलाम है। और बाइबल कहती जब तक आप गुलाम रहेंगे आप राज्य नहीं कर सकते। लिखा जो जिससे हार जाता है उसका दास बन जाता है। अब हार गए व्यभिचार से वो आप पे हावी हो गया, अब हार गए चोरी से वो आप पे हावी हो गई, अब हार गए पाप से वो आप पे हावी हो गया। बाइबल कहती आप उसके दास बन गए, और अगर आप पाप के दास हैं आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है, जो लोग कामयाब हुए, कामयाब रहे और लाइफ के लास्ट साल तक कामयाब रहे, वो वही लोग हैं जो अपने आप में मर चुके हैं। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए। कोई आपको आपकी बेइज्जती करे आप तो मर चुके हैं, कोई आपकी प्रशंसा करे आप तो मर चुके हैं, कोई आपसे वैर रखे आप तो मर चुके हैं। एक मरा हुआ बंदा वैर कैसे रखे? अगर आप मर चुके हैं अपने आप में आप राज्य करने वाले हो बहुत जल्दी। फिर आप देखेंगे जो चीजें आप चाहते हो आपके घर में हो, आपके बच्चे आपके हिसाब से करें, वो होनी शुरू होंगी।
आपकी फैमिली आपके हिसाब से करे वो होनी शुरू होगी, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे वो आपको राज्य करने के लिए देगा। आप अपने लाइफ में, अपने एरिया में, अपने बिजनेस में, अपनी फैमिली में आप किंग होंगे, आप क्वीन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जो चीजें परमेश्वर ने आपको देनी है वो इस चीज के साथ जुड़ी हुई, सेल्फ डेथ। बोलो पड़ोसी को, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। हालेलुया। इसलिए जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम क्या करते हैं? हम पानी में गाड़े जाते हैं, मतलब हम क्या हो गए? मर गए। वो पानी नहीं होता, वो कब्र होती। पानी में डुबकी मारने का मतलब क्या? मसीह में गाड़े गए, जिस तरह यीशु मसीह गाड़ा गया। और उठने का मतलब जी उठना, जिस तरह यीशु मसीह जी उठा। वो कहता अब तुम मसीह के लिए जी उठे हो, बाकी जीवन अपने शरीर के अनुसार नहीं, मसीह के अनुसार चलाना। हालेलुया। तो क्या व्यभिचार मसीह के अनुसार है? जेलसी मसीह के अनुसार है? क्या चोरी मसीह के अनुसार है? बोलो, अगर हम मसीह के अनुसार जिएंगे नहीं तो उसके अनुसार हम राज्य भी नहीं करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी, अपने पास्टर दोस्तों में देखी है, जिन्होंने अपने एरिया को चेंज कर दिया, राज्य किया, सेल्फ डेथ। आपको चर्च में काम करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, आपको प्रचार करने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, अच्छा विश्वासी बनने के लिए सेल्फ डेथ की जरूरत है, अपने आप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। यह शरीर आपका नहीं, किसका है? अगर यह बीमार हो तो किसकी जिम्मेवारी होगी? परमेश्वर की। अगर हम इस तरह से चलेंगे और हीलिंग को कमांड करेंगे वो भी होगी, डिलीवरेंस को कमांड करेंगे वो होगी, हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सेल्फ डेथ, ऊंची आवाज से बोलो, अपने आप के लिए मरना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा अगर तुम मेरा अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना चले तो तुम मेरे योग्य नहीं। प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के अगर तुम मेरे पीछे ना चले तो तुम मेरे योग्य नहीं। एवरी डे उसने कहा अपने आप के लिए तुम मर चुके। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो पैसा नहीं बो सकते, उनको वो प्यारा लगता है। जो सेल्फ डेथ में नहीं जीते वो सेवा नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते, प्रचार नहीं कर सकते। हालेलुया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने क्रिश्चियनिटी में देखी है वो है अगर आप सेल्फ डेथ में जी रहे हैं तो, अगर आप अपने आप में मर चुके हैं तो। किन्होंने राज्य किया है परमेश्वर में? जो अपने आप के लिए मर चुके हैं। डेनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनगो सेल्फ डेथ में जी रहे थे। कैसे? क्योंकि उन्हें खोजा, उन्हें किन्नर बना दिया गया था, उन्हें मालूम था उनकी शादी नहीं होगी, वो सिर्फ परमेश्वर के लिए जी रहे थे। सुबह प्रार्थना, दोपहर प्रार्थना, रात प्रार्थना। मूसा वो शादीशुदा था लेकिन बाइबल कहती सेल्फ डेथ में था। ये सबूत इस बात का ये है कि उसने मिस्र की गद्दी को छोड़ के आम लोगों के साथ वो हो गया, क्योंकि वो सेल्फ डेथ में था। कोई पैसा नहीं छोड़ेगा अगर वो अपने आप में मरा हुआ नहीं, विरोध करना नहीं छोड़ सकता अगर मरा हुआ नहीं, जरूर बदला लेगा अगर वो मरा हुआ नहीं है तो। लेकिन अगर मरा हुआ है अपने लिए वो बदला नहीं लेगा। क्या लाश बदला लेती है कभी? लाश बदला लेती है कभी? लिखा अपने आप को मरा हुआ समझो और मसीह में जीवित समझो। हालेलुया। लाश बदला नहीं लेती, लाश प्रशंसा करने पे हंसती नहीं, ना तो बुरा मानती। परमेश्वर ने कहा तुम मसीह में जब बपतिस्मा लेते हो तुम अपने आप के लिए मर गए और मसीह के लिए जी उठे। अगर इस तरह से जीवन जियोगे इस आकाश के नीचे का कोई भी शैतान आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अगर इस तरह से आप लाइफ जियोगे तो परमेश्वर वो कर पाएगा जिसको करने के लिए उसने आपको अपने पास बुलाया। उसकी योजना अलग थी यूसुफ के लिए, मूसा के लिए अलग थी, डैनियल के लिए अलग थी, पत्रस के लिए अलग थी, पौलुस के लिए अलग थी, और आप सबके लिए अलग है और सबके लिए बड़ी है। और सब आप एक एक जन मोस्ट इंपॉर्टेंट VIP पर्सन हो परमेश्वर के सामने। सिर्फ प्रचारक ही नहीं, आप सब लोग, एवरीबॉडी। लेकिन प्रचारक डिफरेंट क्यों रहता है? क्योंकि वो कॉल्ड है इस काम को करने के लिए और वो परमेश्वर को वो समझता है जो वो आपको समझा रहे। अगर आपने अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने आपके लिए सोचा अगर आपने वो कर दिया और आप ओवरकम कर गए शैतान के ऊपर, पाप के ऊपर, सेल्फ डेथ में अगर चले गए तो आपको सचमुच नजर आएगा किस ग्रेट पर्पस के लिए परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया। आप धीरे धीरे उसमें शामिल होते जाएंगे, आपके बच्चे इन्वॉल्व होंगे, आपके लोग इन्वॉल्व होंगे, सब कुछ एक जगह इकट्ठा होके परमेश्वर के लिए काम करना शुरू कर देगा जब आप इस रीति के साथ चलेंगे तो। हालेलुया। हर एक लाइफ में परमेश्वर की योजना अलग है, हर एक लाइफ के लिए आपके लिए अलग योजना है परमेश्वर की। लेकिन रिजल्ट एक ही है जो ग्लोरियस है, महिमा से भरा हुआ है, गवाहियों से भरा हुआ है, जीत से भरा हुआ है। हालेलुया। वो 13 साल की शर्मिंदगी थी और 80 साल का घमंड और राज्य था। क्या लेना चाहते हो? उन 13 सालों में परमेश्वर के साथ समझौता करके अपने 110 साल उसी नौकर की तरह जीना चाहते हो, या उन 13 सालों में सच के लिए खड़े होके 80 साल राज करना चाहते हो?
ये आप पे निर्भर करते हैं। अगर आप शरीर के नौकर हैं, पाप के नौकर हैं, गंदी आदतों के नौकर हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज्य नहीं कर सकते। हालेलुया, तैयार हैं आप राज्य करने के लिए? यस नहीं सुना मेरे को? तैयार है आप राज्य करने के लिए? आपको बेस्ट परमेश्वर देने जा रहे हैं, बेस्ट प्लेसेस में आपकी लाइफ में देख रहा हूं, बेस्ट देशों को आपकी लाइफ में देख रहा हूं। आप तैयार है क्या? सुना नहीं मैंने कहा आप तैयार है क्या? अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो सेल्फ डेथ, अपने आप में मरना। आमीन। अगर आप अपने आप में मर चुके हैं, आप बदला लेंगे क्या? आप लेंगे बदला? आप माफ करेंगे? आप बदला नहीं लेंगे, आप प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के साथ रहेंगे, आप डरेंगे नहीं, क्योंकि आप पहले से मर चुके हैं। किन लोगों को शैतान परमेश्वर से दूर ले जाते हैं? बोला देख देख शदाइया, देख तू भी अपने भ्रावान मिलिया हूं, आज तू गड्ढे च नहीं होना, हूं तू मिस्र च आ गया। देख शदाइया, जे तू भ्रावान के नाल हुंदा बना के रखदा, तो तू भी उन्होंने इंजॉय करता लाइफ, अब तू नौकर बन गया। अगर तू अपने भाइयों के साथ बना के रखता तो तू यहां मिस्र में ना आता। कितना डिस्टर्ब किया होगा इमोशनली शैतान ने उसको, इमेजिन करके देखो। पर वही जीते जिन्होंने शैतान के सिर के ऊपर पांव रख के आगे बढ़े हैं, जो उसकी बातों को रद्द करके आगे बढ़े वही जीते हैं। हालेलुया। आपने फैसला करना है, आप शैतान के नौकर बनना चाहते हैं, पाप के नौकर बनना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर के लिए राज नहीं कर सकते। वो काम परमेश्वर कभी पूरे नहीं कर सकता जो उसने आपकी लाइफ में सोचे हुए। अगर आप पाप के दास हैं, पाप के नौकर हैं, शैतान के नौकर हैं, तो हालेलुया, आपको एक साइड चुननी पड़ेगी। एक साइड आपको हमेशा परमेश्वर की ओर लेके जाने की कोशिश करेगी, और एक तरफ शैतान आपको हमेशा शरीर की बात सुनने के लिए मजबूर करे, और वो फैसला निर्धारित करेगा आप अपनी लाइफ में कहां तक जाएंगे। हालेलुया। जो शांति, जो आनंद आप फील कर रहे होंगे, मैंने कभी महसूस नहीं किया ऐसा अपनी लाइफ। आप जीवित और यहां बैठे हैं, हाँ, और वचनों को अपनी आंखों से आपने कंप्लीट होता देखा कि वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती, ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है तेरे निकट। हजार तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आए। हालेलुया। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। पूरा होते देखा हमने वचन को, महामारी ना आती कभी देखते ना हम, हाँ, ये पौलुस के टाइम में आई, प्रेरितों के टाइम में आई, अकाल पड़े, ताकि परमेश्वर अपने वचन को आपको दिखाए। प्रार्थना आपको हेल्प करती सेल्फ डेथ में जीने के लिए। फास्टिंग आपकी सहायता करती अपने आप में मरने के लिए। बाइबल रीडिंग से आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हो, जीवन को महसूस करते हो। लोग बोलते हैं किस प्रकार हम व्यभिचार से बचे रहें, किस प्रकार हम पाप से बचे रहें। बाइबल कहती है उसके वचन को अपने दिल में रखने से और सावधान रहने से हम पाप से बच सकते हैं। उन लोगों के रिजल्ट देख के जिन्होंने पाप किया और उन्हें क्या हासिल हुआ, हम पाप से बच सकते हैं। जब हम प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, अपना बेस्ट टाइम हम परमेश्वर को देते हैं, वो सेल्फ डेथ करता है आपकी। आप अपने आप में मरते हैं, अपने शरीर अपने आत्मा में आप ब्लेस्ड होते हैं और अपनी निगाह में आप मरते हैं। बाइबल कहते हैं जब मूसा पहाड़ के नीचे आ रहा था, उसके चेहरों से किरणें निकल रही थी, लेकिन मूसा को यह मालूम नहीं था। जब आपको अपना आप मालूम नहीं होगा, आपके चेहरों से किरणें निकलेंगे, ग्लोरी निकलेगी खुदाबंद। आप प्रेयर में बैठेंगे, अपना टाइम देंगे, जब आपका बेस्ट सीरियल लगा हो रहा, जब आपको किसी दोस्त की याद आ रही, सब काम याद आ जाएंगे जब आप प्रार्थना में बैठेंगे, क्योंकि शैतान जानते हैं जैसे आप प्रेयर में बैठेंगे आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग करेंगे, अपनी भूख को कंट्रोल में करेंगे, अपने शरीर को कंट्रोल में करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। और जब ये होगा, परमेश्वर दुखों को यूज कर सकता है, निराशा को यूज कर सकता है, किसी भी चीज को इस्तेमाल कर सकता है। उन दुखों में परमेश्वर के ऊपर सवाल ना उठा के वफादार रहना, क्योंकि आपके राज्य करने को परमेश्वर ठान चुका कि वो आप करें, ठान चुका है वो। लेकिन अगर आप कॉपरेट करेंगे, उसकी सहायता करेंगे कि वो आपको उस स्थान पर लेके जा सके, वो आपको लेके जाएगा। हालेलुया। आप प्रेयर करेंगे, आप सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप टाइम पे करेंगे परमेश्वर को। अगर आप प्रार्थना करेंगे, अपनी लाइफ को आप सीधा भी रखेंगे, क्योंकि आपको मालूम है आपकी प्रेयर तभी कबूल होगी जब आपकी लाइफ सीधी है, हाँ या ना। आप फास्टिंग करेंगे अपनी भूख के ऊपर, आप एक हथौड़ा मारेंगे, उससे मालूम होगा हाँ आप उस तरफ चल पड़े हैं जहां से परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा। जो भी आपकी लाइफ की जरूरत है, एनीथिंग, शारीरिक जरूरत की मैं बात कर रहा हूं, अब वो आपका हस्बैंड हो, आपके बच्चे हो, आपका फाइनेंस हो,
एवरीथिंग आपके पास बेस्ट होगा, एवरीथिंग, मैं सच कह रहा हूं, एवरीथिंग। अगर आप इस तरीके से परमेश्वर में चलेंगे तो ये एक्सपेक्ट मत करना अपने बच्चों से कि वो पवित्रताई में चलें या अच्छी तरह से जीवन बिताएं अगर आपका जिंदगी पाप में है तो। अगर आप एक पैग लगाएंगे और आप बोलेंगे अपने बच्चे को एक पैग कोई बुरा नहीं, वो 10 लगाने वाला होगा। आप आधा घंटा एक घंटा प्रार्थना करने वाले होंगे, वो 2.5 घंटे वाला होगा। आपके लोग कभी आपको नहीं सुनेंगे कि आप बोलते क्या हैं, वो देखेंगे आप करते क्या हैं। खासकर आपका परिवार, आपके करीबी लोग, प्रेयर के दौरान आप अपने आप से बाहर आके आप परमेश्वर के साथ मिलते हैं, उसके साथ एक होते हैं। प्रार्थना में आपको परमेश्वर दिखाता है आपकी जिंदगी की कमियां। आपने अपने माता पिता की इंसल्ट कर दी और आपको रोग हो गया, आप प्रेयर करेंगे तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, पापा दी लाओ फायर प्रेयर, फायर 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 फायर, इंटरनेट पे प्रेयर लगा के कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आप प्रेयर में साथ बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा कि तुमने गलती की है, अपने पिता की इंसल्ट की, अपनी मम्मी की इंसल्ट की, और आप तौबा कर लेंगे, हीलिंग एंटर कर जाएगी। लेकिन होगा कब? प्रेयर में। जब आप प्रार्थना में बैठे होंगे और सब तरह के पापों से फ्री होकर बैठे होंगे, मैंने कहता यीशु मसीह बन के आपके अंदर तौबा का आत्मा जरूर होगा कि मेरे अंदर ये कमियां मैं छोड़ता हूं, चाहे एक दिन ही हुआ हो क्यों ना छोड़े हुए। आप प्रार्थना में बैठेंगे, होली स्पिरिट आपको याद करवाएगा आपने क्या करना है, वो धीरे धीरे आपको बताएगा आपको क्या करना है अपने परिवार के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, कहां कमी है, कैसे छोड़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। आप प्रेयर में बैठेंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। आप फास्टिंग में जाएंगे, सेल्फ डेथ में एंटर करेंगे। साथ में वर्ड पढ़ेंगे, आपको समझ आएगा, परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोलेगा, आपकी स्पिरिचुअल आईज को ओपन करेगा, आपने कहां अपनी लाइफ में क्या करना और कौन सा डिसीजन लेना है। एक डिसीजन लाइफ चेंज करता है बंदे की, 10 नहीं। फेसबुक का मालिक कौन था? एक साधारण स्टूडेंट। एक डिसीजन लिया कि नहीं, एक ऐसा ऐप बनाएंगे जहां पे लोग सोशलाइज हो सके। दुनिया चेंज कर दी कि नहीं कर दी? आधे से ज्यादा यहां लोग फेसबुक देख के आए होंगे चर्च में। हो गई दुनिया चेंज कि नहीं हुई? हां, आप घरों में थे, आपने फेसबुक पे प्रचार देखा। एक आइडिया सोचो, अगर परमेश्वर के आप साथ हो तो वो किस तरह की ब्लेसिंग आपको दे सकता है। अगर साधारण लोग एक आइडिया से चेंज हो सकते हैं, सोचो जो आइडिया परमेश्वर आपको हेवनली देगा वो कितना बड़ा होगा। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, आत्मा को खोल दे, और मेरी सहायता कर सेल्फ डेथ में जीने के लिए, मेरी सहायता कर। ऊंची आवाज बोलो थैंक यू जीसस। मांगो अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर मैं सेल्फ डेथ में जी सकूं, प्रार्थना में जी सकूं, ताकि मैं राज्य कर सकूं। हिला के अपने हाथों को ऊंची आवाज में प्रार्थना करूं।